सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित मिश्रा बीएससी जी सेकेंड सेमेस्टर की आज मैं क्लास पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो उसका सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपका टॉपिक है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। ये आपका इसमें सब्जेक्ट है। इसमें मैं पिछली क्लास में आप लोगों को जो है पढ़ा चुका हूँ कि क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ वेजिटेबल्स मैं आपको पढ़ाया था। तो ये मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आपका है टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स गार्डन। ये मेरा अगला टॉपिक था जिसको मुझे पढ़ाना था। तो ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगा कि वेजिटेबल्स गार्डन जो है वो कितने प्रकार के जो है होते हैं, यानी सब्जी की बागवानी के जो है प्रकार आपको पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन, इसमें क्या है कि वेजिटेबल्स फार्मिंग जो है किस प्रकार के जो है सब्जियों की बागवानी, कई बागवानी जो है वो सब्जियों की कई प्रकार से की जाती है, ये निर्धारित होता है आपके मार्केट और आपके जो है डिमांड के ऊपर निर्धारित होता है कि किस प्रकार के जो है आप गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं, ना? किस प्रकार की आपकी मार्केट है वहां पर और किस प्रकार की जो है वहां पर डिमांड है आसपास आपके, उसी प्रकार की जो है आप जो है एग्रीकल्चर आप वेजिटेबल्स फार्मिंग वहाँ पर करेंगे। तो ये जो है आपका पर्पज है किस, उसी प्रकार से आपका पर्पज होगा कि किस मेथड की गार्डनिंग को आप जो है वो अपनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार के जो वेजिटेबल्स गार्डन होते हैं, जो जिसमें पहला है किचन गार्डन। किचन गार्डन जो है यानी घरेलू घरेलू जो है जो सब्जी है जो आपके किचन के लिए आप पर्याप्त हो। किचन गार्डन का मतलब होता है किचन गार्डन्स और होम गार्डन्स इज डिफाइंड एज द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप्स इन द रेजिडेंशियल हाउसेस और इन देयर वैरायटी ऑफ मीट वेजिटेबल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली थ्रॉट आउट द ईयर टू प्रोड्यूस इंसेक्ट एंड डिजीज फ्री वेजिटेबल्स। यानी कि इस प्रकार की आपके घरेलू सब्जियों को प्रतिदिन आपके फैमिली में सब्जियों का उपयोग जो होता है उसके लिए आप जो सब्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने घर के आसपास जो है जो खाली जगह है घर के सामने या पीछे साइड में उसमें जो आप घरेलू उपभोग के लिए जो सब्जी उगा रहे हैं, तो इस प्रकार की जो है गार्डनिंग को जो है हम आपको किचन गार्डन्स कहते हैं। ये इसमें जो है आपको साफ सुथरी शुद्ध सब्जियां आपको प्रतिदिन ताजी सब्जियां प्राप्त होती हैं जो कीट एवं रोग से जो है वो रहित होती हैं। देयर आर फ्री और इंसेक्ट एंड डिजीजेस देयर आर वेरी फ्रेश वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड दे आर यूजफुल इन योर लाइफ। तो आपको जो है एक रोग एवं कीट मुक्त सब्जियां आपको मिल रही हैं और जो खाली जगह है घर के आसपास उसका बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। एंड फ्री वेजिटेबल्स हैज गॉट एन एडेड द एडवांटेज, यानी आपको एक मुफ्त में जो है एक सब्जी आपको प्राप्त हो रही है अच्छी ताजी और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो रही है। अब इसमें आता है कि आप किस प्रकार से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ द क्रॉप्स फॉर द किचन गार्डन डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, यानी दो कारण से आप दो फैक्टर्स इसमें दो कारण डिपेंड करते हैं कि आप किस प्रकार के जो है वो किस प्रकार की सब्जी आप उगाएंगे किचन गार्डन में। पहली बात क्या है, साइज ऑफ द किचन गार्डन एंड चॉइस ऑफ द फैमिली, यानी आपके जो किचन गार्डन की क्या आकार है, कितनी आपके पास जगह खाली है और आपकी फैमिली की क्या रिक्वायरमेंट है, कि आप जो है फैमिली की क्या चॉइस है कि किस प्रकार की सब्जियों को आप उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें इसके मुख्य रूप से जो है किचन गार्डन के प्रिंसिपल्स क्या हैं कि क्विक ग्रोइंग ऑन फ्रूट्स जैसे पपाया एंड कागजी नींबू शुड बी लोकेटेड ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द गार्डन शुड बी डू नॉट सेड आउट ऑफ फार्म। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए जो जल्दी तैयार हो सके, जैसे या फिर इस प्रकार के फ्रूट्स आपको लगानी है जो जल्दी से आपको फल दे सके तैयार हो सके। जैसे आप देख लीजिए पपीता हो गया, दो पेड़ पपीता चार पेड़ लगा दीजिए, केला एक आध दो पेड़ लगा दीजिए, तो ये आपको जो है एक साल के अंदर जो है वो फल देना शुरू हो जाते हैं और ताजे फल आपको मिलने लगते हैं। या फिर आप नींबू के पौधे लगा दीजिए, जैसे कागजी नींबू हो गया, वो इस तरह नींबू आजकल तो तमाम जो है वो जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटीज आ रही हैं, उनसे भी आप उत्पादन ले सकते हैं आसपास जो है। या फिर आप क्लाइंबर्स वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, क्लाइंबर्स जिसकी जो शाखा युक्त सब्जियां होती हैं, जैसे आप घर के आसपास लगा दीजिए लौकी कद्दू ये सब लगा के जो है आप जो है छत पे चढ़ा दीजिए या फिर जो है छत
छप्पर वगैरह उस पर चढ़ा दीजिए, तो देखिए आपका नीचे का स्पेस भी बच जाता है और ऊपर पूरी तरह से फैल करके ये आपको अच्छी ताजी सब्जियां प्रतिदिन जो है मिल सकती हैं। तो क्राइम्बर वेजिटेबल्स भी एक अच्छा वो है। राइजेस यूटिलाइज फॉर द ग्रोइंग रूट वेजिटेबल्स इज अ रेडी स्टैंडिंग, जो आपके रिजेस होती हैं, जो आपके बीच बीच में जो सब्जियों के बीच की क्यारियां हैं उसमें आप जो है जो रूट्स वेजिटेबल्स हैं उसको ग्रो कर सकते हैं। जैसे आपको गया रेडिश हो गया, आपको सुगर बीट हो गया, आपका जो है टर्निप हो गया, ये सब भी आप जो है उसमें उगा सकते हैं साथ साथ। तो ये भी एक यूटिलाइज है, जो छोटी जगह है उसको आप अच्छी तरह से यूटिलाइज है, ये भी आपका एक प्रिंसिपल हो गया है। इंटर स्पेस स्लो ग्रोइंग एंड क्रॉप इज कॉलीफ्लावर कैबेज टर्निप रेडिश सुगर एंड, जो बीच में कुछ स्पेस बचता है, इंटर स्पेस जो उसमें है उसका, यानी कोई मुख्य फसल से बैगन है, बैगन के आप नीचे आप लगा दीजिए, जैसे आप कॉलीफ्लावर लगा दीजिए, कैबेज लगा दीजिए, रेडिश लगा दीजिए, सुगर बीट, ये सब भी आप जो है जो इंटर स्पेस बचता है वेजिटेबल्स बार में उसका ज्यादा से ज्यादा आप उपयोग कर सकते हैं। तो इस ये सब क्या है, इसके प्रिंसिपल्स हैं। तो ये आपने बता दिया आपको किचन गार्डन। और दूसरा क्या है कि न्यूट्रिशन गार्डन, वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन, मॉडल वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन, ये इस प्रकार के जो है मॉडल न्यूट्रिशन गार्डन क्या है, पोषक के आधार पर, जैसे आप पोषक तत्व के आधार पर जो है कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, उसकी बागवानी कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं जो है हम लोग मॉडल वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन। द सजेस्टेड मॉडल ऑफ द वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन हैज सेवरल मॉडिफिकेशन ओवर द कन्वेंशनल किचन गार्डन, इन न्यू मॉडल कैन बी फिट इन अर्बन पेरी अर्बन एंड हाउस होल्ड वेयर लोकेटेड स्पेस अवेलेबल फॉर द ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स। तो इस प्रकार का जो ये मॉडल वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन होता है, ये भी एक प्रकार का किचन गार्डन ही है। बट हम किचन गार्डन में जो हमारे जो हमको पसंद आती है जो सब्जियां जो हमारे हिसाब से स्पेस है उसमें हम उगाते हैं, लेकिन जो हमारा मॉडर्न न्यूट्रिशन गार्डन है उसमें हम जो है अपने पोषक तत्वों के आधार पे ही उगाते हैं। जैसे हमको विटामिन ए चाहिए, विटामिन ए के लिए हम क्या उगाएंगे, जैसे गाजर उगाएंगे हम, पालक उगाएंगे और पपीता उगाएंगे और हम रेडिश उगाएंगे, तो ये हमें विटामिन सी के लिए हो गया। विटामिन सी के लिए हमको जैसे हो गया हम जो है कुछ वो जो है जैसे हम आप उगा सकते हैं टमाटर उगा सकते हैं, सब्जियां उगा सकते हैं, अन्य कई सब्जियां हैं, इस प्रकार से हम विटामिन सी के लिए उगा सकते हैं। तो अलग अलग हमारा पोषक वैल्यू के आधार पर हम सब्जियों को उत्पादन साल भर में करते हैं, हम एक चार्ट तैयार करते हैं और उसमें अपने पोषक वैल्यू न्यूट्रिएंट वैल्यू के हिसाब से जो हम सब्जी उत्पादन करते हैं, तो उस हिसाब से जो हम बागवानी गार्डन का शेड्यूल निर्धारित करते हैं वो वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होना चाहिए हमारा, इसके लेआउट हम प्लानिंग, जो हमारा लेआउट होता है वेजिटेबल्स गार्डन का वो 6x6 मीटर का होना चाहिए। और वेजिटेबल न्यूट्रिशन गार्डन द मॉडल ऑफ प्रोड्यूसर्स, इसमें इस मॉडल से जो है प्रतिवर्ष जो है लगभग 300 kg वेजिटेबल्स जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी अपनी फैमिली के लिए जो है अपने फैमिली के लिए एक विटामिन मिनरल पोषक वैल्यू के हिसाब से हम वेजिटेबल का इसमें प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। अब तीसरा हो गया मार्केट गार्डन, यानी बाजार की तरह जो है वो बाजार को ध्यान में रखते हुए जो बागवानी की जाती है। मार्केट गार्डन में क्या आता है, पोषक द प्रोड्यूसर वेजिटेबल फॉर सप्लाई टू कंज्यूमर्स इन लोकल मार्केट इज कॉल्ड एज अ मार्केट गार्डन, यानी हम इस प्रकार के सब्जियों को उत्पादन करते हैं जो अपने लोकल मार्केट के हिसाब से जो हमारे क्षेत्रीय बाजार हैं उसके अनुसार जो हम प्रोडक्शन शेड्यूल निर्धारित करते हैं उसमें सप्लाई के हिसाब से, तो उसके उसको हम जो है वो बाजार बागवानी या फिर मार्केट गार्डन जो है वो कहते हैं। इस प्रकार के जो है ये हमारा मुख्य रूप से हमारा एम होता है कि हम इस प्रकार के जो है वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन इसमें ज्यादातर करते हैं, यानी कम से कम फूड भी ज्यादातर हम वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन इसमें करते हैं। इन मार्केट गार्डन देयर क्विक डिस्पोजल इन द नियर बी मार्केट इज लॉन्ग टाइम मार्केट गार्डन्स वेयर लोकेटेड डिस्टेंस ऑफ द 10-15 किलोमीटर, यानी हमारे जो है जो हमारा गार्डन है जो सब्जी का क्षेत्र है उगाने का उससे लगभग 10 से 15 किलोमीटर के अंतर्गत जो लोकल हमारा बाजार है उसके ध्यान में रखते हुए हम सब्जी का उत्पादन जो है वो करते हैं। तो इसमें हम ज्यादातर सीजनल सब्जियां उगाते हैं जो जो हम उगा करके मार्केट में उसको बेच सकें।
देयर ग्रोवर आल्सो नीड फॉर द डेवलप गुड मार्केटिंग स्किल्स। इस प्रकार से जो है अगर उगाने वाला व्यक्ति है तो उसको मार्केट को ध्यान में रख के सब्जी को उत्पादन करना है कि किस प्रकार से वो अधिक से अधिक जो है वो लाभ प्राप्त कर सकते। लाभ अधिक किसान